नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। आज हम उस फिल्म की बात करेंगे जो रिलीज हुई तो लोगों ने यही कहा कि फ्लॉप होगी, मगर उसने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले, गब्बर सिंह, याद है आपको? बहुत, आज भी लोग बहुत पसंद से देखते हैं। रमेश सिप्पी द्वारा बनाई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया बहादुरी, संजीव कुमार, अमजद खान, सचिन, एके हंगल और भी बहुत सारे कलाकार थे। संजीव कुमार थे, उन्होंने ठाकुर का रोल किया। गब्बर के रोल के लिए बहुत लोग चाह रहे थे कि मुझे मिले। डैनी जी को अप्रोच किया गया। डैनी उस टाइम फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा कर रहे थे, वो फिरोज खान साहब को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गब्बर के रोल के लिए मना कर दिया। और कहीं ना कहीं संजीव कुमार भी चाहते थे कि ये रोल मैं करूं, मगर सिप्पी साहब ने कहा नहीं, ये रोल जो है अमजद खान ही करेंगे। अमजद खान को सलीम जावेद लेकर आए। FTI के पास आउट असरानी जेलर के रूप में, आधे इधर आओ, आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। मतलब एक एक करेक्टर को जो है बहुत बारीकी से लिखा गया। जया बच्चन का, जया बहादुरी का जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के रिकमेंडेशन पे लाए गए और ये फिल्म काफ़ी हिट रही। बहुत से कलाकारों ने इसमें काम किया और इसके डायलॉग आज भी हिट है। और हम लीला मिश्रा को कैसे भूल सकते हैं, मौसी 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 को कैसे भूल सकते हैं। और गाने आज भी हिट है, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन पे लिखा गया शोले का। और डायरेक्टर की काबिलियत जो है उससे जो है बहुत ही अच्छा, उसको एक तार में जो है सारे मोती पिरो के एक बेहतरीन फिल्म बनाई, जो कि हिंदुस्तान में बेहतरीन फिल्मों के कई रिकॉर्ड जो है तोड़ चुकी है। तो इतनी पॉपुलर फिल्म हुई, पहला ब्रेक जो है 30 साल की उम्र में अमजद खान साहब को मिला। बहुत हिट फिल्म रही शोले और ये हमेशा हर देश में, हमारे देश में नहीं, हर देश में ये फिल्म देखी गई। हेमा मालिनी का डांस है और हेलन को हम कैसे भूल गए। महबूबा 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 RD बर्मन, बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन किया। वो सीन खास तौर पर जब अमजद खान के हाथ पे काला चीटा चलता है, तब उनके डायरेक्शन का पता चलता है कि बेहतरीन फिल्म। और वो सीन, एक एक सीन जो है उस फिल्म का, आज भी अगर दोबारा आए तो सब लोग देखना पसंद करेंगे। शोले एक ऐसी फिल्म थी जो हर इमोशन को छूते हुए आगे बढ़ती है, चाहे वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्यार के सीन हो, चाहे दोस्ती वीरू, जय और वीरू की दोस्ती हो, चाहे गब्बर का एक रोष हो। कभी हम हंसते हैं, कभी टेंशन में आते हैं, जैसे मौसी के सीन में कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, आई एम चक्की पीसिंग, और वो भी दर्शकों को हंसाता है। कहीं पे जो है कितने आदमी थे, एक उसका अलग वो गब्बर का टेरर, कहीं हंसी, कहीं असरानी का जो जेलर का रोल हंसाता है, गुदगुदाता है। तो हर रंग को बांधते हुए ये फिल्म आगे बढ़ती है। इसमें चाहे बड़ा हो छोटा हो, हर एक के मतलब का अलग अलग करेक्टर, जैसे एक थाली में 56 भोज होते हैं और वो पूरी थाली कंप्लीट होती है, उसी तरह शोले फिल्म को हम पूरा एक भोज मानेंगे, जो हर तरीके का फ्लेवर जो है इस फिल्म में रखा गया है, सबका ध्यान में रखते हुए। अरे ओ कालिया, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर, पूरा 50,000। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।